हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग है, मोस्ट ऑफ डिमांड थी आपकी दीदी कोमल भाभी कब घर आने वाले हैं, तो उसी पे मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। आज 30 अक्टूबर है और आज का मुहूर्त निकला है, भाभी फाइनली घर आ रहे हैं। तो अभी 10 बज रहे हैं, हम सब नहा धोकर के रेडी हो चुके हैं। मम्मी पापा जी भैया इनके मनसा चब रहे थे तो पूजा करने के लिए गए हुए हैं। मेरे पशुपतिनाथ कब रहते तो मैं अभी जस्ट जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं और दादी जी दोनों साथ में जाएंगे और भाभी को लेने के लिए भैया लखन जी, कानू और पापा जी, रानू और रानू के हस्बैंड, ये लोग जाएंगे। और मम्मी जी, मैं, दादी जी पीछे डेकोरेशंस की तैयारी करेंगे और जो भी खाने में बनने वाला है, धूप ध्यान सारी चीज़ें, मतलब उनकी तैयारी करेंगे। सो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और फाइनली आपकी डिमांड थी, जब पूरी हो जाएगी, भाभी घर आने ही वाले हैं। तो ब्लॉग आप एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है। सो मिलते हैं क्लिप टू क्लिप में जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करती रहूंगी, और आप एंड तक जरूर देखना। ये आगे पूजन करके और अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ, कहीं नहीं मुझे आया। सो यहाँ पर आए थे हम भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए। यहाँ पर मनसा चौरथ भी पूजा यहीं की जाती है और पशुपतिनाथ की पूजा भी यहीं होती है। और ये है मेरी पूजा पे की थाली जो आप देख सकते हैं, मैंने क्या क्या सामग्री ली है। तो पहले हमने सबसे पहले भगवान का सारा पूजा पा उतारा था और फिर से उन्हें नहलाया था ताकि हम अच्छे से उनकी पूजा कर सकें। ठीक है, चलते रहो। सो यहाँ पर मैं कर रही थी कानू को रेडी, क्योंकि वो भी जा रहा था बड़ी मामा को लेने के लिए दादा के साथ। और कानू बहुत एक्साइटेड था बड़ी मामा को लेने के लिए, अपने छोटे भाई को लेने के जाने के लिए। तो बोल रहा था मामा मुझे ये पहना दो, ऐसे कर दो। तो तैयार तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा रही थी मैं उसे और काजल, और फिर ये चला गया बाहर। दादा चलो जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं, बड़ी मामा को लेने के लिए जाना है। और फिर बड़ी मामा को लेने के लिए लगभग समथिंग 1:15 बजे तक ये लोग निकल जाते हैं। शिवम रुक दो, ए शिवम, जैसे किसने करा, तेरा भाई तो चला गया, दुश्मन तेरा हो गए हैं लेने के लिए। सो इधर दीदी आते ही काम पे लग गए हैं और ये बना रहे हैं सब्जी, मिक्स सब्जी बना रहे हैं, शायद मिक्स सब्जी है ना। और इनका छोटा सा बेबी इधर कानू के खिलौने से खेल रहा है, आज कानू नहीं है इसलिए। कानू आएगा तो जाते का ना, कानू भैया है ना आपके। एक ही सा है, आप ही सा है अकेले। सो यहाँ पर चल रही खाने की तैयारी, क्योंकि हमारे घर में आ रहा है छोटा नया मेहमान, तो उसके लिए आज धूप ध्यान भी लगाने पड़ेंगे। भाभी और ये लोग आएंगे तो लापसी चावल बना रहे थे हम लोग ताकि धूप ध्यान दे दें। बाकी सब लोगों के मनसा चब रहे हैं तो भाभी के यहाँ जो गए हैं वो खाना खा कर ही आएंगे। तो दीदी, मैं, मम्मी जी तीनों मिलकर खाने की तैयारी कर रहे थे, सब्जी बना के रख दी थी, लापसी चावल मैंने बना दिए फटाफट से और आटा लगा के रख दिया ताकि जो भी पीछे रहेगा उनके लिए रोटी ही बनानी पड़ेगी। और इधर चल रही है डेकोरेशन की तैयारी। तो भैया पूछ रहे हैं कि नीचे का होली डेकोरेट करें क्या, तो हमने नीचे का होली डेकोरेट करवा दिया ताकि एंट्री होगी तो अच्छा लगेगा बैकग्राउंड भी। तो इधर चल रही डेकोरेशन की तैयारी। सो इधर बन रही है माला, फूल माला बना रहे हैं मम्मी जी और ये उनकी पत्तियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा कम था, 5:15 बजे भाभी के इनके आने की तैयारी थी तो उसी अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे थे। और 4 बज चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा काम बाकी था, तो फिर भैया की मैंने हेल्प करवा दी। मैंने कहा फटाफट से मिलके करेंगे, साथ मिलके करेंगे तो फटाफट से काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा हमारा डेकोरेशन चल रहा है और फटाफट से भैया तो पत्तियाँ तोड़ने के लिए बैठ गए और मैं डेकोरेट करने लग गई फ्लावर वगैरह से सारा डेकोरेट। मैंने कहा थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी तो फटाफट से काम हो जाएगा, वरना जब भैया भाभी आ जाएंगे तो सोचेंगे कि अभी तक डेकोरेशन भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। घना लेट आए नहीं भैया,
लेट हो गए दग्गू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मम्मी मुझे बना रहे हैं दूध का हलवा, पशु के नाथ का रखना। मैंने वापस छे दिए लगा दिए हैं दीपक के लिए। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए पशुपतिनाथ के व्रत की, और वहाँ डेकोरेशन आधा तो हो गया है, आधा बाकी है, और तब तक आऊँगी तब तक तैयारी हो जाएगी। और शाम के भी बज के 5:15 हो रहे हैं, भैया भाभी आएंगे तब तक 6 बज जाएगी ना, 5:30-6 बजे तक आ जाएंगे, तब तक मैं वापस आ जाऊँगी पूजा करके। ये है मेरी शाम की पूजा, जो सुबह पूजा होती है वही थाली से वापस शाम को पूजा होती है पशुपतिनाथ की। और ये मेरा लास्ट पूजा थी, मेरे 5 सोमवार हो गए, 5वां सोमवार था। तो 5वें सोमवार में मैंने नारियल, 108 चावल और 10 रुपये रखे थे भगवान के नारियल के ऊपर। ये होता है पूजा का, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए थे दीदी आप पूजा कैसे करते हो, तो इस वीडियो में थोड़ी क्लिप भी ले ली। हेलो, सो पशुपतिनाथ की पूजा मेरी हो गई है और मैं आ गई हूँ घर पे। और अब मैं आपको एक बार सारा डेकोरेशन दिखा देती हूँ बैक कैमरा करके कि कैसा डेकोरेशन करवाया है हमने। सो देखते हैं डेकोरेशन। रेडी, क्योंकि छोटा बाबू और भाभी आने वाले हैं और अब होने वाले दादी जी रेडी। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है पिंक कलर की। सो देखते हैं कितनी देर में आते हैं, अभी तक तो 6:30 तो बज चुकी हैं, कब से बोल रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और अब पता नहीं कितना वेट करवाएंगे। बाबू के ले ला, लाज नहीं करेगा बाबू के बेटा।
सो यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, सब अब भाभी के और बाबू के साथ फोटो खिंचवाने वाले थे। पहले दीदी आया है, उसके बाद मम्मी पापा जी, ऐसा करके सारे फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। कानू भी आया था भैया के साथ, उसके छोटे भाई के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और हमारी पूरी फैमिली एक एक करके फोटो खिंचवा रहे थे। ऐसे नहीं चला ले साइकिल। जो हमने लापसी चावल बनाए थे ना, उसका मतलब दो भाभी और भैया के हाथ से ही लगवाना था। तो शाम को जब भैया आए थे तो वापस से हमने थोड़ा सा जागते किए और धूपदान लगवा दिए भैया भाभी के हाथ से। तो यहाँ पर हो रहा है धूपदान, उसके बाद कोई भी घर में खाना खाएगा। तो हमारे जो व्रत था, हम सुबह से भूखे थे कि जब भैया भाभी आएंगे धूपदान लगाएंगे, उसके बाद सबको घर में खाना मिलेगा। तो यही प्रोसेस चल रहा था। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। तो बाबू का वेलकम हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे। और अब हम लोग खाना खाएंगे, तो अब सारा काम अभी किचन में बाकी है, वो करना है। व्रत है, मम्मी जी, मेरे दादी जी और एक हमारी दीदी हैं बुआ सासू जी की लड़की, उनके। तो हम चारों के लिए खाना बनाएंगे, बाकी सबके मनसा उचा रहते तो वो लोग भाभी के यहाँ खा कर आए। तो अब हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, बाबू के साथ खेलेंगे तो ब्लॉग भी नहीं बन पाएगा शायद बीच बीच में। सो ब्लॉग का एंड मैं यही करने वाली हूँ। होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगे, और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।